हाय गाइस, नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो मैं हूं मेघा और स्वागत है आपका पर्की मेघ्स हिंदी में। और क्योंकि फेस्टिव सीजन गाइस शुरू हो गया है, तो आज मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए ये फेस्टिव लुक। दिस इज अ कांजीवरम साड़ी लुक विद ट्रेडिशनल इंडियन ज्वेलरी एंड गोल्ड ग्लिटर स्मोकी आईज। तो अगर आप चाहते हैं जानना कि मैंने कैसे क्रिएट किया ये ब्यूटीफुल फेस्टिव लुक, जो कि आप किसी भी फेस्टिवल में कर सकते हैं, पार्टी में कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ हाउ आई अचीव्ड दिस लुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइज, आई बी यूजिंग दिस फेसेस कैनेडा अल्टीम प्रो HD प्राइमर प्लस मॉइस्चराइजर। कोई भी मेकअप करने से पहले आप एक अच्छा प्राइमर जरूर लगाइए एंड फेस को मॉइस्चराइज जरूर कीजिए, क्योंकि ड्राई फेस पे मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नाउ नेक्स्ट मैं फिल करूंगी अपनी आईब्रोज। मेरी जो आईब्रोज है बहुत ही ज़्यादा लाइट है, तो आई ऑलवेज फिल इट विद अ वैक्स एंड पाउडर किट। आप जो है एक आईब्रो पेंसिल भी यूज कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। सबसे पहले मैं वैक्स से फिलअप कर रही हूँ एंड देन आई सेट इट अप विद अ पाउडर। तो किसी भी मेकअप में ब्राउ डिफाइन करना बहुत ही जरूरी है, इससे पूरा मेकअप बहुत ही अच्छा लगता है। नेक्स्ट मैं अपने पिगमेंटेशन एरिया को कंसील करूंगी आज, और क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है तो मैं 2-3 टाइप के कंसीलर यूज करूंगी, अदरवाइज मैं एक ही करेक्टर यूज करती हूँ विच इज अ पीच करेक्टर। तो सबसे पहले मैं ये LA गर्ल का ऑरेंज करेक्टर यूज कर रही हूँ अपने अंडर आईज एरिया में एंड जहां जहां भी पिगमेंटेशन है बेसिकली फेस में। कोई पिंपल मार्क हो, एक्ने मार्क हो, तो आप उस ये यूज कर सकते हैं उसको कवर करने के लिए। एंड देन इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ये LA गर्ल का ही येलो करेक्टर। ये क्या करता है, जो ऑरेंज जो मैंने कंसीलर लगाया है उसको कैंसिल आउट करता है, अदरवाइज अगर आप इसके ऊपर डायरेक्टली फाउंडेशन लगा देंगे तो बहुत ही ऑरेंजिश सा लुक आएगा। तो मैं अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करूंगी। मैं जो ब्रश बहुत कम ही यूज़ करती हूँ जितना हो सके, क्योंकि फिंगर्स एक तो अच्छे से ब्लेंड कर देते हैं एंड दूसरा ब्रशेज धोने का झंझट नहीं रहता। नेक्स्ट मैं इसके ऊपर फाउंडेशन लगाऊंगी। आई एम यूजिंग मिलानी कंसील प्लस परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन, की बहुत ही अच्छा हाई कवरेज फाउंडेशन है। मेरा शेड है सैंड बेज 06। तो ये कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है एंड स्पेशली पार्टीज में हाई कवरेज देता है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ एक ब्रश से। किसी भी मेकअप के लिए अच्छा बेस होना बहुत ज़रूरी है एंड द की इज़ ब्लेंडिंग, तो ब्लेंडिंग आप अच्छे से कीजिए। नाउ मैं अपने अंडर आई एरिया को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करूँगी ये मेबलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड मीडियम। मुझे अंडर आईज एकदम ब्राइट चाहिए, क्योंकि वो डार्क सर्कल्स एंड वो कुछ भी नहीं होने चाहिए, स्पेशली स्मोकी आईज में अंडर आईज बहुत ही अच्छी ब्राइट होनी चाहिए। तो उंगली से अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब मैं पूरा जो क्रीम प्रोडक्ट है जो फेस पे उसको सेट करूँगी। तो आई एम यूजिंग टुडे दिस फेसेस अल्टीम प्रो HD फिनिश टच सेटिंग पाउडर। ये जो है इनविजिबल फिनिश वाला जो है सेटिंग पाउडर है। आप इसकी जगह एक लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। ये बहुत ही क्विक टू अप्लाई है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। नाउ आईज़ के लिए आज मैं यूज़ करूँगी जैकलिन हिल मॉर्फी आई शेडो पैलेट। ये बहुत ही अमेजिंग पैलेट है एंड आई थिंक इससे कोई भी तरह का आई मेकअप हो सकता है। ओनली डिसएडवांटेज इज़ कि ये जो है ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, ये बहुत बड़ी है। तो मैं ये जो है आई शेडोज अपने क्रीज एरिया में लगा रही हूँ एंड उसे ब्लेंड कर रही हूँ। मैं आज येलो और वॉर्म बेस आई शेडोज लूँगी। नेक्स्ट मैं ये मस्टर्ड टाइप का आई शेडो ले रही हूँ अपने क्रीज एरिया में, क्योंकि फेस्टिव लुक है तो आई एम गोइंग ओवरबोर्ड विद आई शेडोज। आप 2 या 3 से भी काम चला सकते हैं। देन मैं ये वॉर्म ब्राउन शेडो यूज़ करूँगी, जो मेन मेरा क्रीज कलर होगा, क्योंकि आज जो मेरे साड़ी लुक है उसके साथ ये बहुत ही अच्छा जाएगा, गोल्ड स्मोकी ब्राउन लुक आई लुक। नाउ इस ब्राउन शेडो को मैंने आउटर वी में लगा के अच्छे से ब्लेंड कर दिया है टू गेट अ डिफाइंड आई लुक। हर आई शेडो के पास ब्लेंडिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मैं ये पेल गोल्ड शेडो जो है वो लगाऊंगी अपनी आईलेट्स पे। आज का जो लुक होगा वो होगा गोल्ड विद ब्राउन। तो इसके ऊपर मैं अगेन एक और शेडो लगाऊंगी विच इज़ टेलीपैथी फ्रॉम कलर पॉप। बहुत ही ब्यूटीफुल येलोइश गोल्ड कलर है एंड मेरी जो ग्रीन मस्टर्ड सिल्क साड़ी है उसके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल जाएगा। ग्रीन गोल्ड काइंड ऑफ साड़ी है मेरी। अच्छे से मैं सारी चीज़ें ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि एकदम हार्श एजेस ना लगे।
एंड देन मैं ये ब्लैक आई शेडो अपने आउटर वी में लगाऊंगी टू गेट मोर डिफाइंड लुक एंड देन इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. ब्लेंडिंग इज रियली इंपॉर्टेंट आफ्टर एवरी एप्लीकेशन. नाउ मैं एक ग्लिटर लगाऊंगी फ्रॉम अर्बन डिके. दिस इज अर्बन डिके हैवी मेटल ग्लिटर इन द शेड मिड नाइट काउबॉय. ये बहुत ही अमेजिंग एंड सटल ग्लिटर है एंड बहुत मेकअप आर्टिस्ट इसे यूज करते हैं फॉर ब्राइडल लुक्स. आप देखिए बहुत ही सटल एंड ब्यूटिफुल है. नेक्स्ट मैं आई लाइनर लगाऊंगी माई फेवरेट शुगर आई वॉन्ट यू सो लिक्विड आई लाइनर. एज यूजल मैं अपना विंग लाइनर लगाऊंगी बिकॉज आई लव दिस. इसके बाद आई अप्लाई सम फॉल्स लैशेज एंड अपर आई मेकअप इज रेडी. नाउ लोअर लैशेज के लिए फर्स्ट मैं काजल लगाऊंगी. दिस इज फ्रॉम फेसेस. दिस इज अ जेल काजल क्योंकि आज का जो लुक है मेरा स्मोकी काजल लुक है. अदरवाइज मैं काजल ज़्यादा नहीं लगाती हूँ बट फेस्टिव लुक के लिए मुझे बहुत पसंद है. एंड देन मैं इसे ब्लेंड करूँगी विद अ ब्राउन आई शेडो एंड हो गया मेरा आई मेकअप कंप्लीट. सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स. नाउ आई विल बी यूजिंग दिस ऑडबो हाईलाइटर ब्रॉन्जर. ये थोड़ा सा चीक फैट भी काटेगा. एंड देन इसके बाद जो है मैं अप्लाई करूँगी ब्लश. आई एम यूजिंग स्वीट चीक्स ब्लश पैलेट एंड मैं ये अर्दी टोन का ब्लश लगाऊंगी. बहुत ही अच्छा ब्लश लुक चाहिए मुझे एंड मेरी जो लिपस्टिक है वो अर्दी टोन वाली है. तो ब्लश और लिपस्टिक को आप हमेशा मैच कीजिए. सो सबसे पहले मैं लिप्स के लिए लिप को लाइन करूँगी विद मैक चिकोरी लिप लाइनर. ये बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राउन शेड है फॉर इंडियन स्किन टोन्स. एंड देन इसके ऊपर मैं लगाऊंगी मैक टोप लिपस्टिक. दिस इज ऑल्सो अमेजिंग एंड आज की साड़ी के साथ मेरा ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छा जाएगा. सो बस अब मैं हाईलाइटर लगाऊंगी. फर्स्ट मैं लगाऊंगी कलरपॉप विस्प हाईलाइटर. बहुत ही मूजी टेक्सचर का ब्यूटीफुल हाईलाइटर है. बट इसके ऊपर आज मैं एक और पाउडर हाईलाइटर लगाऊंगी बिकॉज दिस इज फेस्टिव लुक एंड बहुत दिनों बाद कर रही हूँ मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. सो मैं इसके ऊपर ये पैक बेक्ड हाईलाइटर लगाऊंगी 08 और इससे बहुत ही ग्लोई लुक आता है. यू कैन सी हाउ माई चीक्स आर ग्लोइंग. तो ओनली मैं चीक्स के टॉप पार्ट पे लगाऊंगी. And with this, my whole makeup is complete. अब मैं आऊंगी साड़ी एंड ज्वेलरी एंड द होल लुक के साथ. So guys, ये था मेरा गोल्ड ब्राउन स्मोकी आई मेकअप लुक विद सिल्क कांजीवरम साड़ी. दिस साड़ी इज़ फ्रॉम नल्ली. ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है एंड मैंने इसे पेयर किया है ट्रेडिशनल इंडियन साउथ इंडियन काइंड ऑफ ज्वेलरी के साथ एंड विद हाफ ओपन हेयर स्टाइल. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. लाइक ज़रूर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए पॉकी मेक्स हिंदी को ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए. एंड त्योहारों का मजा लेना ना भूलें परिवार के साथ. बी सेफ बी हैप्पी एंड खुशियाँ फैलाइए मिठाइयाँ खाइए. हैप्पी फेस्टिवल्स.